राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बहुत सारे लोगों की डिमांड जो है वो पूरी होने वाली है। मैं एक आपको ऐसे संत से मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं रास्ते का वीडियो नहीं बनाऊंगी। बाद में आपको जो भी कोई इच्छुक होंगे तो उनको बाद में वैसे ही एड्रेस बता देंगे, जो कि क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। अगर ऋषिकेश में रह के हमने ये सब कुछ नहीं दिखाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, सच में। और ऋषिकेश में, ये हमारी रिंकू जी पीछे आ रही है तो ऋषिकेश में ये मेन प्रकृति है, माँ गंगा है, और यहाँ की आरतियाँ हैं, तो योग के लिए भी बहुत है, तभी योग नगरी कहा जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों की मन की इच्छा पूरी होने वाली है, और सच में आपको मिलके उनसे आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को भी लगेगा कि शर्मा जी ने जिस वजह से चैनल बनाया था, आज वो सपना काफ़ी कुछ सार्थक होने जा रहा है। तो मैं सीधा उन्हीं के पास ले जाऊंगी, क्योंकि रोड पे ये चीज़ें तो हम दिखाते रहते हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे हम आपके लिए। बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते थे कि साक्षी जी, ऐसा एक मतलब जगह बताइए जहाँ पे हम साधना कर सकें क्रिया योग की। तो स्वामी नित्यानंद गिरी जी हैं जो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आप तक लोगों को ये बात पहुँचा सके। कुछ प्रश्न मैंने नोट किए क्योंकि भूल जाते हैं। और स्वामी जी, पहले तो कुछ को तो मैं जानती हूँ जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, तो ये वाला स्वरूप कभी किसी के सामने, सिर्फ इन जो साधना करते हैं वही लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। महादेव को तो योगी के रूप में जानते हैं, कृष्ण जी को नहीं जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ही तो योगेश्वर के रूप में सारा ज्ञान अर्जुन को दिए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, 18 अध्याय सब में देखेंगे योग, अर्जुन विषाद योग से मुख्य योग तक सारा ही योग है। योगी तो वही योगेश्वर श्री कृष्ण ही ये ज्ञान दिए हैं। और इनका जो ये ध्यान मुद्रा में बैठने का, वो योगियों ने दर्शन किए हैं। और ये जो चित्र है, ये चित्र तो योगानंद जी के द्वारा किसी आर्टिस्ट को बतला के बनाया गया है, उन्होंने उनका ध्यान में जैसा दर्शन हुआ। महावतार बाबा जी, महावतार बाबा जी के बारे में तो आजकल सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, हाँ जी, इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ भ्रम फैला रहे हैं, अच्छा, लेकिन जो भी है। हाँ, 2500 साल इनकी उम्र देखिए, जब योगानंद जी ने किताब लिखे तब तो 18 साल था, अच्छा जी, अभी वो कितना है, उनका किताब का समय से 100 साल भी नहीं हुआ, तो अब 100 साल से वो बढ़ के 5000 साल हो गया। तो ये तो लोगों का स्वभाव है, ऐसे करेंगे। लाहिरी महाशय जी को भी बहुत कौन जानते हैं, लाहिरी महाशय जी की ही ये क्रिया योग से आगे बढ़ी है, ये फिर उन्होंने ही देखिए, बढ़ाया। क्रिया योग बहुत पुराना पद्धति है। ऋषि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें साधन पात का प्रथम सूत्र माने द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र बताता है क्रिया योग। हमारे जानने में क्रिया योग का शब्द पहले वहीं आता है, अच्छा जी, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तप तपह स्वाध्याय स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग है। क्रिया योग, फिर उसी का विस्तार सारा साधन पाद है, अच्छा, जितना सारा साधन पाद पतंजलि जो सूत्र का, वो उसी का विस्तार है। यानी ये इसीलिए मैंने कहा था, तो जो क्रिया योग समझेंगे, अरे पहले योग क्या है तो समझो, तो योग समझे नहीं अब क्रिया योग कैसे समझ मेरा यही जाएंगे। प्रश्न होने वाला था, पहले नाम एक बार, प्रभु जी, नहीं, ये है महावत नहीं, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, हाँ जी, उनके बाद जो तस्वीर है ये स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का है, युक्तेश्वर गिरी जी, उनके बाद जो है वो है योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी का, योगानंद जी, ये है भूपेंद्र नाथ सान्याल जी का, भूपेंद्र नाथ, ये है स्वामी सत्यानंद गिरी जी का, अच्छा जी, उसके बाद है प्रभु जी का, प्रभु जी स्वामी नारायण गिरी का, अच्छा जी, इनके बाद है परमहंस हरिहरानंद जी का, अच्छा जी, इसके बाद है स्वामी शंकरानंद जी का।
और ये जो लगी हुई है स्वामी, इधर है स्वामी केशवानंद जी, अच्छा जी, फिर स्वामी प्रणवानंद जी, हाँ जी, फिर योगीराज पंचानन भट्टाचार्य, तो ये भी क्रिया योग की ही, सारे क्रिया योग से, हाँ, तो मेरे श्रद्धा के हिसाब से मैंने फोटो रखा हूँ सारे, तो परंपरा मेरे जो डायरेक्ट लिंक है उसमें तो नहीं है, अच्छा, लेकिन ऐसे रखा हूँ। अब स्वामी जी प्रश्न है, क्रिया योग क्या है? जो बात है मैंने बोला, पहले योग को समझ लीजिए, योग को समझ लीजिए। आजकल लोग क्या समझते हैं योग कहने से? व्यायाम समझते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ऐसे व्यायाम करते हैं जो योग के जो 8 अंग है उसमें आसन में भी वो आता नहीं। स्थिरम सुखम, शरीर को स्थिर करते नहीं सुखपूर्वक, हाँ। और बोल रहे हैं हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये बात तो बोलना नहीं चाहिए। देखिए आप देखेंगे, देखे हैं कभी रशियन सर्कस देखे हैं? हाँ जी। तो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं रशियन सर्कस में। ये जिस तरह उनका शरीर के ऊपर संतुलन है, हाँ। तो हम तो रशियन सर्कस के आर्टिस्ट के सबसे बड़ा योगी मानेंगे। बिल्कुल, हाँ, टीवी में देखिए, वैसे नहीं देखिए पर टीवी में देखिए उनकी, जय भी देखे, हाँ। तो इनको क्यों बड़ा योगी नहीं मानते रशियन सर्कस के आर्टिस्ट के? तो आज वही सर्कस हो रहा है आज के जमाने में। स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, इनको कोई नकार नहीं रहा है, नहीं। लेकिन व्यायाम करके और वो फिर जैसे एरोबिक जैसा, उसी को तुम योग बोलोगे, वो तो भ्रमात्मक चीज हुआ ना। और वो भी जो कर रहे हैं उनको भी दोष नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, पहला बात। दूसरा चीज, हमारी जो परंपरा है, परंपरा के बारे में किसी को बताया भी जाता नहीं। कहाँ हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारी जो प्राचीन विद्या, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विद्या, वेद हो, आगम शास्त्र हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जो षट दर्शन हो, कौन पढ़ाया जाता है? किसी को पढ़ाया नहीं जाता। पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, हाँ जी। पुराना इंस्टीट्यूशन नष्ट हो चुका है, लोगों को ज्ञान नहीं, जिसी ने जो बोल दिया वही हो गया और क्या। तो इसीलिए पहले योग को समझेंगे। कैसे समझेंगे? किसी ने कोई किताब लिख दिया वो है, उसी से नहीं समझेंगे, नहीं। जो हमारे ऋषियों ने जो संज्ञा बताए हैं, जो योग दर्शन है, पतंजलि के द्वारा प्रणीत योग दर्शन है, इसी में जो संज्ञा दिया गया है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो समझाए हैं उसी से हम समझेंगे, उसी से योग का समझ आ गया तो फिर क्रिया योग का समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। संस्कृत साहित्य में योग को क्या बताया गया है? युजिर योगे, एक बात, जुड़ना ही योग है। इसी को लेके भ्रम फैदल्ला हो गया, जुड़ेंगे अरे किसके साथ जुड़ोगे? तुम अलग हो कि जुड़ोगे? अलग नहीं है तो जुड़ोगे किसे? उधर सिर्फ समझ हो गया, योग का तो योगा हो गया ना, वो तो छोड़ो। लेकिन जो दर्शन में जो संज्ञा दिया गया है वो है जो समाधो, समाधि ही योग है, समाधि ही योग है, समाधि योग है। इसी को भगवान पतंजलि ने बोले, योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। किसी लिए? ये स्वरूप ज्ञान के लिए, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपना स्वरूप ज्ञान के लिए, वो है योग। कोई कुछ बोल देगा वो योग नहीं हो जाता। जैसे कि आप तो उस तरफ रहते हैं ना, वही परमार साइड में, वहां से बोर्ड लगाए हैं थाई मैसेज योग है? तो थाई मैसेज कब से योग हो गया भाई? कोई कुछ बात बोलता है लिख देता है, ठीक है तुम्हें दुकान चलाना है दुकान चलाओ, लेकिन ऐसे कुछ भी बोल देने से योग नहीं हो जाता। जो हमारे ऋषियों ने बताए हैं, जो हमारे परंपरा से जो ज्ञान है वही है योग, योग है। तो उसी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें कुछ साधना करना पड़ता है, कुछ अभ्यास करना पड़ता है, कुछ क्रिया करना पड़ता है, उसी को कहते हैं क्रिया योग। इसीलिए साधन पाद में क्रिया योग का वर्णन है, इसको 3 भाग में बांट दिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपो, स्वाध्याय, तप करना पड़ेगा, हाँ। तप तो करना मन चाहता नहीं, हाँ। तप का मतलब क्या है? मन को और इंद्रियों के ऊपर संयम, कंट्रोल, संयम, हाँ जी, संयम, संयम, संयम लाना। हमारा मन जो चाहता है हम उसी के दास है, हमारे इंद्रिय जो चाहता है उसी के हम दास है, ये नहीं।
मन और इंद्रिय हमारा है, हम जो चाहेंगे वो वही करेंगे, उनके ऊपर नियंत्रण, तब जाके तप होगा। इसके लिए जो जो योगी की विधा है उस विधा को अभ्यास करना, समझ रहे हैं? स्वाध्याय यानी सत साहित्य का अध्ययन, सब साहित्य का, सत साहित्य, सब साहित्य जो वेद है, उपनिषद है, योग शास्त्र है, ऐसे जो साहित्य है इनका अध्ययन, स्वाध्याय करना। आजकल कुछ कुछ योगी लोग बोल रहे हैं, हमने तो किताब हाथ में पकड़ा नहीं, जैसे कि बहुत अच्छा काम कर लिया, हाथ में किताब पकड़े नहीं। दूसरों को भी वही बोलते हैं, कोई पढ़ना जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ करो। तो ऐसे क्या होगा, जो पढ़ेगा वो तो प्रश्न करेगा, वो आसान हो जाता है उनको। पर स्वामी जी, जैसे पढ़ने से प्रश्न होंगे, ठीक है, लेकिन समझ आएगा, समझ तो आएगा। कई बार अपने जैसे बिना थोड़ा बहुत पढ़ा हो और प्रश्न मन में उठने शुरू हो जाते हैं। मैं करता हूँ बात, जो पूरा कर लेता हूँ। जैसे कि हम कुछ चीज को जानना चाहते हैं, पढ़ने का मतलब कुछ भी चीज पढ़ने का लेने में नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे आजकल तो बच्चे पढ़ते नहीं, सब मोबाइल से कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो पहले जैसे हमारे समय में बच्चे पढ़ते थे, एक एक बच्चे थे, रोज एक एक उपन्यास कंप्लीट कर देते थे, तो उनका मनोवृत्ति कैसा होता था, उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमता था। एक लड़का है, इसके साथ एक लड़की का प्रेम हो गया, या दो लड़का है एक लड़की है, या एक लड़का है दो लड़की है, उनके बीच में क्या क्या हो गया, वही तो उपन्यास में लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह उनका मनोवृत्ति बनता था। तो वो व्यक्ति आध्यात्म में कैसे उन्नति करेगा? इसी तरह आप सत साहित्य पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, आपका मनोवृत्ति ऐसा होगा। लेकिन वो बाह्य है, वो सब कुछ नहीं है। आपको अंतर जो पठन है, जो अंतरंग साधन है स्वाध्याय का, मैं कौन हूँ, उसके जानने का प्रयास, सो अध्ययन, अपने को अध्ययन करने का प्रयास। इसके लिए साधना विधि है, जो जो साधना विधि है वो गुरु से सीख के अभ्यास करना पड़ता है। तो स्वाध्याय के जैसे मैंने बताया दो अंग हो गए, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। फिर ईश्वर प्रणिधान आता है, ईश्वर को जानना, निदान शब्द का अर्थ है निरूपण करना, उसमें प्र उपसर्ग लगना है क्या, ऐसे निरूपण करो ईश्वर तत्व को, फिर बाकी जानने के लिए आपको कुछ रह नहीं रहे। तो ये है ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानने का साधना। तो ये सब जो है वो है क्रिया योग। तो इसके लिए कुछ पद्धति है जो किया जाता है, जो मुख्य पद्धति में शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे वो है प्राण की साधना, प्राण विद्या। यहाँ अपने प्राण के ऊपर, और प्राण को पकड़ने के लिए प्राण वायु के ऊपर, श्वास और प्रश्वास से साधना शुरू किया जाता है। वही बन जाता है पहले ध्येय वस्तु, फिर हमारा मन बुद्धि जिसमें काम करता है, जैसे कि मस्तिष्क और सुषुम्ना, वो भी, और उनमें जो विशेष केंद्र है, जिन केंद्र में ऊर्जा का स्फुरन बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं चक्र, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। तो उसी में मन को लगा के उसके हिसाब से विधि बनाया गया है, टेक्निक बनाया गया है, तो वो सीख के अभ्यास करना पड़ता है। तो यह है बात, यानी ये प्राण साधना, प्राण विद्या। तो आप जो पूछ रहे थे कुंडलिनी के से फर्क क्या है, देखिए कुंडलिनी शब्द ये तंत्र साहित्य में आता है। अच्छा, आजकल क्या है, तंत्र साहित्य और योग साहित्य सब मिलजुल गया है, सारे साहित्य। तो लोगों को ओरिजिन का पता नहीं। कुंडली शब्द से कुंडलिनी आता है। जब नाग सोता है कुंडली मार के सोता है, नाग जब सोता है कुंडली मार के सोता है, जब सोता रहता है तो उसका तो कोई शब्द नहीं, लेकिन जब उठ जाता है तब लोगों को डर आ जाता है, भय आ जाता है, क्योंकि सोते समय तो कोई शक्ति का तो कोई स्फुरन होता नहीं, वो सुसुप्ति अवस्था में होता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो शक्ति है वो सोया हुआ है,
हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसका 90% 90% बोल सकते हैं वो सोया हुआ है, सोया हुआ 90% से 10% जागृत है बस, 10% जो जागा हुआ है वो बड़े बड़े लोग हैं, किसी के 5% ऐसे। अच्छा जी, तो इसको एक पांच ही लगा ले। तो बात है कि जितना शक्ति है उसी को हम उपयोग में लेते हैं, वो फिर उपयोग कहाँ चला जाता है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को भोगने में, इसी में उपयोग हो जाता है, तो उससे हमारा कोई अच्छा नहीं होता। तो पहले तो जो शक्ति हमारे पास है इसी को इंद्रिय विषय उपभोग में नहीं लेके अंतर जगत में खुद को जानने का साधना में लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो शक्ति हमारा बढ़ता जाएगा। जो सोया हुआ शक्ति है उसी को जगाना है, तो वही है बात, उसी को बोलते हैं कुंडली के रूप में जो शक्ति है कुंडलिनी, उसी को जगाना। तो संत्र में जिसी को कुंडलिनी बोलते हैं, योग में उसी को प्राण बोलते हैं, प्राण कुछ अलग चीज नहीं है। अच्छा, क्रिया और कुंडलिनी मतलब जो प्राण, वो एक ही है? एक ही चीज नहीं है, मैं जो बात कहता हूँ सुनिए। जैसे कि अलग अलग साधन पद्धति में अलग अलग क्रियाएं हैं। आप आए वहां से इधर, कार में आ सकते हैं, बाइक में आ सकते हैं, ऑटो लेके आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। अच्छा, तो साधन अलग हो जाता है, साधन अलग है, पहुंचना वही है, लक्ष्य अलग हो जाता है। इसीलिए अलग अलग विधा में अलग अलग साधन पद्धति है। तो तंत्र में जो साधन पद्धति है वो साधन पद्धति तो भक्ति में नहीं है, वो साधन पद्धति तो ज्ञान में नहीं है, योग में भी अलग साधन पद्धति है। हाँ, कुछ कुछ साधन पद्धति इसे कॉमन पाया जाता है सब जगह। या जैसे समय बीतता है, एक पद्धति का चीज को दूसरे ने एडॉप्ट कर लिया, दूसरे का पद्धति को कोई तीसरे ने एडॉप्ट कर लिया, इसी तरह कुछ कुछ चीज हुआ है। लेकिन इसका जो पद्धति है वो डिस्टिंक्ट है, मुख्य तो पद्धति योग का है, योग का है। हाँ, इसी में कुछ तंत्र का पद्धति आया है, जैसे कि चक्रों में ध्यान, मातृकाओं में ध्यान, अंतरमातृकाओं में ध्यान, बहिर्मातृकाओं में ध्यान, ये सब उसका ओरिजिन योग से तो नहीं, उसका ओरिजिन तंत्र से है। तंत्र से तो ऐसे कुछ मिला जुला तो है, लेकिन मुख्य पद्धति जो है वो योग का पद्धति है। तो आप कुंडलिनी कहे या प्राण कहे, लेकिन कुंडलिनी शब्द में व्यवहार करता नहीं ज्यादातर, किसी लिए क्योंकि लोगों में इसमें बहुत ज्यादा भ्रम फैला गया है, वही बात पे तो हम व्यवहार करेंगे तो लोग वही भ्रजो भ्रम फैला गया है इसी को वही समझेंगे। हाँ, लोग अगर सही समझ आ जाए तो फिर शब्द व्यवहार करने में कोई दिक्कत है नहीं। ये बाहर बोर्ड पे लिखा रहता है एक दिन में कुंडलिनी जागरण, एक महीने में कुंडलिनी जागरण, तो क्या और उसके जागरण का रेट कितना कितना है? इतना रेट देने से इतना जागरण होगा, इतना रेट देने से इतना जागरण होगा, बिल्कुल। ईश्वर को पाने के लिए भी पैसे लग रहे हैं? नहीं, पैसा तो सब में लगता है, वो बात नहीं है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ईश्वर पाने के लिए आप काम करेंगे तो आपका शरीर तो भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सब तो बिना पैसे से नहीं होता ना। हाँ जी, लेकिन बात नहीं, पैसा का जरूरत होना और व्यवसाय की भित्ति में लगाना, वो भी फिर जिस चीज का ज्ञान नहीं हो उसी को व्यवसाय की भित्ति में बेचना, ये चीज तो अलग हो जाता है ना। ठीक है, आपको ये ज्ञान है, आपने कुछ दिए, ठीक है, वो ज्ञान भी नहीं है, आपने देखे हैं इसे हीलिंग करते हैं बहुत सारे हीलर्स है। हाँ जी, इनका खुद का हील हुआ है। सही कह रहे, किसी ने बताया था ए हीलर इज ए वुंडेड हीलर, जितने भी हीलर घूम रहे हैं इनमें से ज्यादातर वुंडेड, खुद वुंडेड है। बात वो बात नहीं, हमें जितना जानकारी है हम इतना बताएंगे, उतना बताएंगे। और ऐसा नहीं कि लोगों को अर्थ का बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अर्थ का आवश्यकता सबको है। जो गुफा में साधु रहता है उसको भी लंगूट का जरूरत है, उसको भी खाने का जरूरत है, ऐसे नहीं कि ऐसे कर देगा खाना आ जाएगा, वो तो ठगने वाली बात है, ऐसे करके आपको कुछ दे दूंगा, कुछ दे दूंगा, यही चल रहा है आजकल तो ये बात नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन जो चीज जितना है बस उसको इतने में ही रखो, उतने में रखो बस। स्वामी जी, अभी आपने बसंत पंचमी पे
माँ सरस्वती की पूजा उनका बताया था विधान, तो जो साधना लाइन में उनके लिए बताया, तो ज्योतिष के उसमें बताया आपने? ज्योतिष का बात तो नहीं है जो नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रश्न कि क्रिया योग में आते ज्योतिष का भी ज्ञान हो जाता है? नहीं, देखिए सारे परंपरा में नहीं नहीं अच्छा, युक्तेश्वर जी ने ज्योतिष जानते थे, श्री युक्तेश्वर जी, युक्तेश्वर जी उन्होंने जो कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी करके, यानी जो विद्या पहले लोप हो गया था, हाँ जी, उसको फिर रिवाइव किए थे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ऐसे हमारे पिंड में राशि कहाँ है, नक्षत्र सब कहाँ है, उसी हिसाब से कौन से राशि में कौन सी ग्रह का, इसको ब्रह्मांड को पिंड में डालने का जो क्रिया है उसी को बताए थे। अच्छा, तो वही जो युक्तेश्वर जी बताए थे, इसी हिसाब में मैंने थोड़ा बोला था कि जैसे कि उसी दिन सूर्य कहाँ रहता है, चंद्रमा कहाँ रहते हैं, चंद्रमा कहाँ रहता है, हाँ जी, हाँ मैंने तभी प्रश्न पूछा, मतलब हमारी साधना में नक्षत्रों का भी महत्व होता है। देखिए एक है प्रकृति का धारा, वो तो बदलता रहता है, प्रकृति बदलता रहता है जी, ग्रहों का गति राशि चक्र से बदलता रहता है, हाँ जी, हाँ कभी अनुकूल अनुकूल हो जाता है, कभी प्रतिकूल हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो इस साधक को जानना चाहिए बस, जी अब साधना अनुकूल है हाँ। तो साधना में लग पड़ो, अभी साधना के लिए प्रतिकूल है तो और जोर से साधना में लग पड़ो। सही कह रहे हैं। अच्छा जी स्वामी जी, ये जो लाहिरी महाशय जी हैं, तो जितने भी इनके शिष्य थे वो कौन सी परंपरा से थे, क्रिया योग वाली? लाहिरी महाशय तो क्रिया योग ही सिखाते थे, क्रिया योग ही सिखाते थे, क्रिया योग ही सिखाते तो थे। इनका गृह शिष्य भी थे, सन्यासी शिष्य भी थे, गृहस्थ भी और सन्यासी, सन्यासी भी थे। मेरे को किसी ने एक प्रश्न मतलब किया था कि कुंडली जागरण जो है सिर्फ ग्रस्त सन्यासियों में ही हो सकता है, ग्रस्त में नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति भी एक जिसको बोलते हैं श्रृंखलित जीवन, एक पवित्र जीवन यापन कर सकता है, कर सकते है। हमारे आप ऋषियों को देखिए, जितने भी ऋषियां हैं सब ज्यादातर गृहस्थ थे, बिल्कुल। जो सन्यास परंपरा में आते हैं इनको तो आप हाथ में गिन लोगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए सुत सनक सनातन सनंदन, नारद, दुर्वासा, दत्त भगवान, सुखदेव, ऐसे तो आप गिन लोगे, गिन लेंगे, बाकी सब तो गृहस्थ थे, गृहस्थ थे, हाँ। लेकिन आजकल के गृहस्थ जैसे तो नहीं थे ना, इंद्रियों भोग के पीछे तो भागते नहीं थे ना, नहीं वो भी ब्रह्मचर्य पालन करते थे, पति पत्नी उभय। तो जैसे ऋषि घरंड के मत में तो गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य माना जाएगा, अच्छा, गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य माना जाएगा अगर वो सिर्फ गृहस्थ जीवन का धर्म रक्षा करने के लिए सिर्फ महीने में एक बार संभोग की विवाद ज्यादा नहीं करता, और वो भी फिर संतान उत्पादन के लिए, बाकी उद्देश्य से नहीं, बाकी उद्देश्य से नहीं। तो ऐसा तो नियम तो है, हमारे ऋषियों ने तो बनाया है, सारे गृहस्थ लोग जो ऋषि है ये लोग तो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए थे, इन्हीं का ही तो दिया हुआ दृष्टा हुआ चीज हम वेद की ऋचाओं में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि नहीं गृहस्थों को कुछ नहीं होगा, ये बोलना थोड़ी है, लाहिड़ी बाबा तो गृहस्थ थे, गृहस्थ, भूपेंद्रनाथ सान्याल तो गृहस्थ थे, पंचानन भट्टाचार्य जी तो गृहस्थ थे कि नहीं, बिल्कुल। बात है कि आपको समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अब सन्यास में रह के आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरे काम में व्यस्त हैं। पर तो? स्वामी जी ये प्रश्न मेरा आने वाला है, आपने बोला ना समय निकालना पड़ेगा, जैसे मेरा काम बाहर घूमना है, बाहर घूमते हुए मन को अंदर घर में आते हैं तो मन को अंदर लाना बड़ा कठिन हो जाता है उसमें, वही तो साधना, अभ्यास, वही साधना, अभ्यास मतलब निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए अपना जो प्रायोरिटीज है क्या है उसको निर्णय करना पड़ेगा, और घर में आके टीवी खोल के बैठ गए 10 घंटा तो समय तो मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है कि नहीं, लेकिन हाँ, जितना समय सारा दिन में व्यक्ति क्या करता है, किस में लगाता है, वो तो देख सकता है कि हाँ इसमें कौन सा जरूरी था और कौन सा जरूरी नहीं था, नहीं था। बिल्कुल
ये क्रिया योग की साधना जैसे लोग करते हैं, तो क्या ये सबको करनी चाहिए या कुछ अपने प्रारब्ध होते हैं या अपने अंदर से मन में आता है? देखिए, जो जिस परंपरा में रहता है वो उसी परंपरा को श्रेष्ठ बताता है और वही बोलता है कि इसी से होगा। मैं ऐसा बताता नहीं। जितने हमारे वैदिक परंपरा है, हमारे ऋषियों ने जितने मार्ग बताए हैं, ये सारे सही है। तो जो भक्ति मार्ग में है वो गलत है क्या? नहीं। जो ज्ञान मार्ग में है वो गलत है क्या? हाँ। वो तो है नहीं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई ध्यान करता है हाँ। तो बैठे बैठे मन में अपने आप ही भाव आते हैं कि ये साधना में करनी चाहिए। ये तो अपना प्रारब्ध के हिसाब से हाँ, पहले अपने क्या किए हैं हाँ, आपके अंदर प्रकृति का कौन सी गुण का विकास ज्यादा है उसी के ऊपर आप निर्णय लेंगे। जैसे कि जो ज्यादातर लोग क्या है, ज्यादातर लोग भाव प्रवण होते हैं, थोड़ा भगवान के पास रो लिए, ये कर लिए, उनको सुकून मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग बढ़िया सहजगम्य हो जाता है। सहज, इसीलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ज्यादा है। इसी तरह जो लोग बुद्धि में, बुद्धि का विकास जिनका बहुत ज्यादा है, जो लोग चीज को विश्लेषण कर सकते हैं, उसी के एक प्रश्न को प्रति प्रश्न कर सकते हैं, फिर उत्तर ढूंढ सकते हैं, ऐसे शक्ति कैपेबिलिटी जिन लोगों का है, इनके लिए ज्ञान मार्ग का साधना सही साधना है। उनके बोलोगे तुम कीर्तन करो, थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं भाई कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। जिसका रजोगुण ज्यादा है, कर्मी है, लेकिन सत्वगुण भी है, दूसरों के लिए काम करता है, परोपकार करता है, सेवा करता है, इनके लिए कर्म साधना, कर्म करो भगवान को अर्पित करो, कर्म करो भगवान को अर्पित करो, लोक सेवा करो भगवान को अर्पित करो। जो लोग खोजी है, खोजी अपना स्वरूप को जानना चाहते हैं, इनके लिए योग मार्ग का साधना। तो हम सबको तो एक रंग में पेंट नहीं करेंगे नहीं, कि मैं एक शर्ट दे दिया सब लोग पहन लो। बिल्कुल, हमारे सनातन में ऐसा चीज है नहीं, है नहीं। सबको स्वाधीनता दिया गया है। ऐसे नहीं कि जो ये बात बोल दिया गया है वही सही है, उसके बिना जो बोलता है सब गलत है, गलत है। वो जो मेरे बात को नहीं मानता उसको वो नरक में जाएगा, ऐसा बात तो है नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति अपना स्वभाव के अनुसार साधन मार्ग चुनना चाहिए। एक प्रश्न है स्वामी जी, जो अभी आपने देवी जी का भी बताया था, सरस्वती जी का, तो बंगाल में जगत दात्री जी की पूजा होती है, तो उनके दो वाहन क्यों हैं? देखिए, ये जो देवी तत्व है ना, ये ज्यादातर तंत्र साहित्य में सब आता है। अच्छा। कुछ तो उपनिषद से आता है, मैंने वेदों से आता है, लेकिन ज्यादातर तंत्र साहित्य से आता है। तंत्र साहित्य जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा, उसमें फिर अलग अलग मार्ग है, जैसे कि कोण मार्ग है, मिश्र मार्ग है, बाम मार्ग है, समयाचार मार्ग है, अलग अलग मार्ग होता है। तो अलग अलग मार्ग में अलग अलग साधना है। तो फिर इसे अलग अलग देवी मूर्ति का कल्पना किया जाता है, फिर अलग अलग वाहन का कल्पना किया जाता है, अलग अलग आयुध का कल्पना किया जाता है, देवी का रंग भी अलग अलग है, कपड़े का रंग भी अलग अलग है। ये सब सांकेतिक है, सारा चीज सांकेतिक है। इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ होता है। तो उसी हिसाब से वो सब चीज बना है। तो हम अगर देवी का देखेंगे, संसार में ऐसा कुछ प्राणी नहीं जो किसी ना किसी देवी का वाहन नहीं। सिंह भी मिल जाएगा, व्याघ्र भी मिल जाएगा, हस्ती भी मिल जाएगा, हंस भी है, भैंस भी, भैंसा भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, अच्छा गधा भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा जाएगा। इसका मतलब क्या है? अरे ये सब में प्राण है। देवी जो है वो प्राण की प्राण है, प्राण, वो जो मुख्य प्राण है, उन्हीं का फिर तीन विभाग हो जाता है, शक्ति है, ज्ञान क्रिया और इच्छा, ज्ञान क्रिया और इच्छा। इसी हिसाब से हमारे प्रमुख तीन देवी है। फिर उसी हिसाब से विशेष विशेष कर्म के लिए एक 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 देवी का है। जैसे कि उस बंगाल के तरफ शीतला देवी का पूजा होता है। वो क्या है, वो पहले होता था लोगों को महामारी, तो महामारी से रक्षा पाने के लिए उस देवी का पूजा होता है। ऐसे ऐसे एक एक विशेष देवी का पूजा विशेष विशेष रूप में होता है।
बस तो जो जो इसका पूजा करता है, ऐसे आप मुझे पूछोगे सारी चीज का तो मैं बता नहीं पाऊंगा, सारी चीज मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, फिर मुझे उसके ढूंढना पड़ेगा ये कौन सी शास्त्र में आता है, इस शास्त्र में क्या बताया गया है, फिर उसके ऊपर विचार करके बताया जाता है। ठीक, जैसे कि हस्ती का वाहन, माता लक्ष्मी का वाहन हस्ती है, लेकिन दुर्गा का वाहन है सिंह, तो उसमें तो सिंह फर्क है ना, वो उग्र रूप है, ये शांत रूप है, ये हस्ती समृद्धि का प्रतीक है, हस्ती और अहंकार का भी प्रतीक है, अहंकार का भी प्रतीक है। अच्छा। जिसके पास थोड़ा संपत्ति आ जाता है किसे अहंकार बढ़ जाता है किसे, लेकिन वो समृद्धि का भी प्रतीक है। तो वही बताता है भाई इसके बच के रहो, इस चीज को दिखाओ दिखाओ। तो दुर्गा की का आराधना क्या है, वो तो शक्ति है, शक्ति असुर विनाशिनी है, असुर को मारने के लिए। तो ये हमारी जो शक्ति, इस शक्ति को अगर हम हमारे अंदर जो असुर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उनको अगर मारने में प्रयोग नहीं किए तो फिर क्या होगा, क्यों? इसी तरह सब सांकेतिक, सारे चीज सांकेतिक। साधक अगर जैसे कोई क्रिया योग में भी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि हम ध्यान शुरुआत कैसे करें, अगर किसी का मन करता है करने का, उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, तो वो शुरुआत कैसे करें? देखिए, भगवत गीता में भगवान ने दो बात बताई है, जो हम साधना करेंगे वो शास्त्रीय होना चाहिए, पहले पहले वो शास्त्रीय होना चाहिए, शास्त्रीय होना, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अच्छा। इसीलिए भगवान बोलते हैं अशस्त्रं भीतं घोरं तप्यं तीजे तपोजना, जो अशस्त्र भीत साधना करता है सिर्फ तपना सार होता है, कुछ फल नहीं मिलता। तो इसी में अर्जुन का प्रश्न था, जो श्रद्धा में करता है, शास्त्र विधि जानता नहीं, तो वो क्या उसका क्या होगा, क्या होगा श्रद्धा से कुछ करता है, तो फिर बोलते हैं श्रद्धा त्रिविधा होता है, श्रद्धा से त्रिविध श्रद्धा होता है। अच्छा। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, तो उसी का श्रद्धा जैसा है उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। लोग साधना करते हैं विभिन्न विभिन्न अपदेवता का साधना है, जो किसी को मार दूंगा, किसी का नुकसान पहुंचाऊंगा, ये भी तो है, ये इसमें भी गति कहाँ होगा, क्या गति होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गति क्या होगा। कोई राजसिक श्रद्धा से करता है, मैं राजा बन जाऊं, मैं इलेक्शन में जीत जाऊं, मैं दूसरे को ऊपर प्रभुत्व जाहिर करूं, मेरा नाम जस हो, तो ऐसी श्रद्धा हो, जो जिससे श्रद्धा होगा ऐसे साधना होगा, इसी हिसाब से फल होगा। अगर सत्य की श्रद्धा से कोई करता है तो फिर वो विधि सम्मत ना होने पर फिर भगवान पहुंचा देते हैं, कहाँ विधि में करना है वो पहुंच, उनका काम है। नहीं, जो ध्यान लगाते हैं सांस सांस प्रश्वास पे ध्यान लगाएं, तो कैसे लगाएं, मतलब वही वही एक कारण है, वही तो वो चीज है इसमें। पहला चीज है पहले खुद करो, मन लगा के श्वास को खींचो और श्वास को छोड़ो। दूसरा चीज है करो मत बस देखते रहो। अच्छा, कर्ता भाव में करो और दृष्टा भाव में देखो। अच्छा। सांसों को देखते रहो बस। अच्छा। दो विधि है, एक तो कर्ता भाव में करना है, दूसरा और कर्ता भाव में जब करना है उसी में कैसा होगा, श्वास को कैसे खींचोगे, कैसे छोड़ोगे, कितना समय रुकोगे या नहीं रुकोगे, ये सब विधा बताया गया है। फिर उसमें जब हो जाएगा फिर वो आ जाएगा दृष्टा भाव में, फिर दृष्टा भाव से जाएगा साखी भाव में। तो ये साधना का स्तर है, पद्धति है। तो जो आपने बोला, एक तो देखते रहो, एक करते रहो, तो जो करते हैं वो जो प्रोसेस जो थोड़े क्रिया योग में है कि भाई मूलाधार से संस्कार से संस्कार से, तो उसी उसी तरीके से करना होगा फिर उनको भी, जैसे विधि बताया गया, जैसे विधि बताया गया, जो नॉर्मल साधक है वो भी, जो मतलब शुरुआत करना चाहते हैं। स्वामी जी, एक आखिरी प्रश्न है, समाधि के बाद कैसा लगता है? देखिए, क्या आपका वो अनुभव हुआ है? समाधि का भी स्तर होता है। हाँ जी, समाधि का भी स्तर होता है, स्तर होता है। समाधि कहने से थोड़ा श्वास बंद हो गया, समाधि हो गया, वो बात नहीं, समाधि का स्तर होता है, स्तर होता है। ऋषि पतंजलि 7 स्तर बताए हैं, 7 स्तर, 7 स्तर बताए हैं, जैसे सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, सानंद सस्मित, ये जो 6 है वो है संप्रज्ञात,
संप्रज्ञात समाधि, उसमें ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है। अच्छा जी, ज्ञान का मतलब ध्येय वस्तु का ज्ञान, ध्येय वस्तु जिस ध्येय में आप साध, जिसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। फिर असंप्रज्ञात में काम व्यक्ति का हो जाता है। तो ये चीज जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसमें तो जन्मों जन्मों बीत जाता है लोगों का, लेकिन आप जितना कर लेंगे वो नष्ट नहीं होगा, नष्ट ये फिर अगले जन्म में, अगले जन्म को आपको लेके जाएगा। तो इसीलिए तो विधि से समझ के करना चाहिए। इसीलिए मैंने पढ़ा था ना, थोड़ा स्वाध्याय कर लेने से समझ आ जाता है। हाँ, थोड़ा स्वाध्याय कर लेने से समझ आ जाता है। स्वाध्याय से आपका कुछ साधना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझ आ जाएगा, हाँ ये चीज ऐसा है। फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे आपको धीरे 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 समझ आ जाएगा। स्वामी जी का भी चैनल है, मैं बता देती हूँ, स्वामी नित्यानंद गिरी जी के नाम से ये आपका चैनल भी। तो देखिए उसमें प्रोसेस भी बताए गए हैं, लेकिन क्रिया योग का, लेकिन अपना मेरा भी मानना है, और स्वामी जी आप भी कहें कि उसको देख के शुरू ना करें। बात है कि वो तो जो साधना करते हैं उनको समझने के उनको लिए। समझने के लिए तो जो विधि है कोई जानकार आदमी के, हाँ से सीख के सीखो पहले, यानी जो साधक, हाँ जी मैं नहीं कह रहा हूँ सिद्ध हो चुका है बात नहीं, जो साधना में कुछ दूर अग्रसर हुआ है इन्हीं से विधि सीख के, नहीं तो आपका कोई समस्या आएगा आप किससे पूछोगे, किससे पूछोगे बिल्कुल। हाँ जी, तो जो जाना होगा ना, जो जिसको जो उस रास्ते में चल चुका है, ज्ञान है जिनको, तो उसी से तो पूछोगे, उसी से तो मार्गदर्शन करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं तो आपको मैं चीज एक चीज बता दूंगा, कोई चीज को मैं बताता हूँ नहीं इतना कम करना चाहिए, इतना करो, इतना मत बढ़ाओ, क्यों बताता हूँ? तो ये तो अपने अनुभूति के आधार पर बताता हूँ। लेकिन कोई कोई उत्साह साधक बहुत ज्यादा कर लेगा, जैसे कि दूध बहुत बढ़िया चीज है, बच्चों को पिलाया जाता है, एक छोटे बच्चे को आप 10 लीटर दूध पिला देंगे क्या? वो है ना, वो उसी तरह चीज रहता है थोड़ा। हाँ, आप बोलेंगे अमुक का तो गुरु नहीं था, रमण महर्षि का तो गुरु नहीं थे, श्री अरविंद का तो गुरु नहीं थे, संत ज्ञानेश्वर और वो जो उनके भाई उनके वो तो सब पहले से सिद्ध। आप अगर उसी कैटेगरी में हो ठीक है, आपको नहीं, इस कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं होते ऐसा बात नहीं। हाँ जी, लेकिन वो कोई बिरला होता है, वो भी क्या है, उनका पूर्व जन्म का जो साधना स्मृति रहता है उसी के ऊपर करते हैं। जो ऋषि पतंजलि बोलते हैं जो विधेय और प्रकृति लय साधक है इनके लिए तो समाधि स्वतः होता है, उनको और अभ्यास का जरूरत नहीं, गुरु का जरूरत। फिर से बोलिए स्वामी जी, जो 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 विधेय योगी होते हैं, विधेय योगी, विधेय विधेय मतलब विधेय मतलब विधेय यानी जो देह बोध जन्म और नहीं है। अच्छा, देह यानी पहले जन्म में उस स्थिति को पहुंच चुके हैं और प्रकृति लय जो प्रकृति के साथ एक हो चुके हैं, खाली एक बात दूर है पुरुष के पास पहुंचना, पुरुष के पास। तो ऐसे उनका पूर्व जन्म में साधना कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस जन्म में ऐसे साधकों को ना साधना का जरूरत होता है ना गुरु करने का जरूरत होता है, तो अपने आप प्रोसेस में हो जाता है। तो हम तो ऐसे नहीं है, तो हमें तो करना पड़ता है, क्या करेंगे? तो जो बोलता है कि ना मैं ऐसे हूं, ठीक है, जब तक उसका भ्रम टूटे तब तक जो इच्छा वो करे। अगर उस तरह कैटेगोरी का सचमुच है कोई, अगर सचमुच रमण महर्षि है, रमण महर्षि का कैटेगोरी का है बिल्कुल, कोई अगर सचमुच अभिराम परमहंस या संत ज्ञानेश्वर का कैटेगोरी के है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं। अब बहुत सारे जिज्ञासु जो लोग होंगे, मैं ऐसे नंबर तो दूंगी नहीं स्वामी जी का, जिनकी जिज्ञासा होगी या फिर चैनल पे भी आप कमेंट में पढ़ लेते हैं, आप नंबर दे देते हैं जो चैनल पे। देखिए नंबर देने से फालतू फालतू बहुत लोग फोन करते हैं, जो उसमें मैं समय बर्बाद करने का कोई मेरे पास इतना समय नहीं। इसीलिए जिनकी जिज्ञासा होगी जो है वो मेल भेज दे, ईमेल भेज दे। फिर ईमेल आईडी क्या होगी जी? ईमेल आईडी तो मिल जाएगा उनको, मेरे चैनल में भी तो मैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में लोगों को लिखा हूँ, swnityanand@gmail.com swnityanand nityanand अच्छा फिर जीमेल, वो जीमेल का अकाउंट है। ओके,
तो आपको वहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा जिस जिसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि कोई ध्यान साधना में तो फिर आप नॉर्मली वो आप जैसे बोला था ना कि सांसों को देखते रहिए और सांस प्रसार। नहीं नहीं, बात है कि मैं भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहता। नहीं चाहता, सफा बात है, भीड़ इकट्ठा करके क्या होगा। और यहाँ कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं, नहीं है, रहने का बिल्कुल नहीं है यहाँ रहने की व्यवस्था। मैं क्लियर बता देती हूँ। देखिए आज जितनी भी स्वामी जी से चर्चा हुई तो उसके बाद मैंने कहा कि पूरी मोस्टली जो क्वेश्चन थे उनका मेरे को जवाब मिल गया था। और जो भी कोई साधना के में मतलब क्रिया योग की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे क्रिया योग के आश्रम जो उधर आता था वहाँ रोक रोक के कहते थे कि आप उधर जाइए और एक बार पता कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया जब हमें पता चला, क्योंकि ऐसे ना किसी के पास भी नहीं जा सकते हैं जो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। और आपको एक मतलब हमें पता है कि स्वामी जी कैसे हैं गुरु जी, तो आप प्लीज़ वहाँ मतलब मैं उनका जो पूरी एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मेल आप उनको कर दीजिए। नंबर भी नहीं दूंगी मैं इसमें, क्योंकि वो बड़े परेशान हो जाते हैं। आपने देखा है कितने सरल हैं, एकदम सीधे हैं, तो ऐसे परेशान करने किसी का फ़ायदा नहीं है कि आप उनसे सवाल कीजिए। क्रिया योग आश्रम है, लेकिन आश्रम में सिखाने मतलब वो दीक्षा देते हैं, वो रुकने का वहाँ किसी का वो नहीं है कि किसी को कोई रुक जाएगा। आपको अगर कोई दीक्षा लेनी है तो तीन चार मतलब वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, आपको कहीं और रुकना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए, वहाँ अप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग गए थे तो उन्होंने ऐसे ही अप डाउन किया था। और देखिए क्रिया योग को लोगों ने मजाक बना रखा है आजकल कि क्रिया योग करेंगे कुंडली जागरण एक दिन में हो जाएगा, तो जो सालों साल लंबी यात्राएं होती हैं, जन्मों जन्मों की यात्राएं होती हैं कई बार, तो उसको इतना मजाक बना दिया गया, और वो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आराम से धैर्य से देख के और कोई मिलेंगे ऐसे तब बनाऊंगी। तो आज मैं आपके सामने वो वीडियो ले आई। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएँ,